जोरदार ताली इस बच्चे के लिए एक बार की। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी मेम्बर वासी हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और मैं ये शुरू करने से पहले ये ही जरूर बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना समझिए कि मैं तो किसी और का बच्चा हूँ ऐसा वैसा। बस मैं मेम्बर का बच्चा हूँ ये समझिए, बस मैं आपका बच्चा हूँ ये समझिए, मैं आपका आवाज होता हूँ तलवार के साथ नाचेंगे बड़ी दिवाली में। फिर
हो गया जो होना था केबीसी में, हो गया सब। तो उस समय एक खुशी भी थी और एक दुख भी था। नहीं नहीं, खुशी इस बात की थी कि मैं केबीसी में जाकर एक अच्छा नाम कमाकर एक अच्छी धनराशि जीतकर बागी, निर्मल, शिमला, हिमाचल इन सब का नाम रोशन करूंगा। लेकिन दुख इस बात का भी था कि इस बार यार पूरी दिवाली में नाच नहीं पाऊंगा, इस बार यार नाच ही नहीं जा पाऊंगा। यही होता है अपनापन। तो अब अगर आप सभी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी बोलिए। ऊपर ही आने दो, माइक नीचे दे दो, ऊपर आने दो, आने दो, आने दो, लो नीचे 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 नीचे, चलो ऊपर आने दो, कोई नीचे करते। हाँ जी, मेरा तो बस आपसे एक ही क्वेश्चन है कि आपको इतना सब कुछ याद कैसे रह जाते हैं? तुमको तो याद है कौन टीचर है ना भाई? और चलिए से पूछ रही सवाल, मुझसे क्यों पूछ रही आप? याद बस एक है याद रखने का फॉर्मूला, आप रटो मत, आप रटो मत, अपने मन में याद करो। मतलब जैसे अगर आप एक यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ आपको रट कर नहीं आना पड़ता कि इस क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर है, रटना नहीं होता है वहाँ पर, वहाँ आपकी बुद्धि लिखी जाती है। अपने वर्ड में तो आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन आपके दिमाग में वो अच्छे से प्रिंट हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए, दिस इज द मेन पार्ट। मैंने तो कुछ नहीं कहा। जवाब नहीं है तो ठीक है।